हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी और मैं मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग भलीभांति रूप से परिचित होंगे, मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोस लॉन्च करता हूं रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज के बारे में। तो इसी चेन को मेंटेन रखते हुए एक बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट मेडिसिन स्पॉन्जिया टोस्टा, हाँ जी रोस्टेड स्पॉन्ज का कॉमन नेम होता है, इसके बारे में सिर्फ जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आपको अगर पसंद आता है तो ही लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको भी आप लोग प्रीवियस बेनिफिशियल वीडियोज बने हुए हैं उसके लिए चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, आज हम स्पॉन्जिया टोस्टा या फिर रोस्टेड स्पॉन्ज कहते हैं, ये इम्पोर्ट करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। एक पूरा रोस्टेड स्पॉन्ज होता है ये, न तो आपको प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, न तो कोई मिनरल किंगडम से, एनिमल किंगडम से रिलेटेड मेडिसिन है। टर्किश स्पॉन्ज जिसका एक मैं आपको नाम बता देता हूँ, जो आपको कहीं भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, टर्की स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। टू स्पीसीज के स्पॉन्ज होते हैं, उनमें से टर्की स्पीसीज जो है सीरिया या फिर कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ये इम्पोर्ट की जाने वाली मेडिसिन, इंडिया में आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। इसका मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है होल ओवर, जो स्पॉन्ज है उससे इसका पूरा मेडिसिन प्रिपरेशन किया जाता है। एक सॉफ्ट इलास्टिसिट मटेरियल की तरह दिखाई देगा, सिलिकस और कैलकेरियस मटेरियल से बना हुआ एक स्पॉन्ज होता है। ड्राइड करके पल्वराइज पोटेंडाइज करके फिर इसके हम लोग 30, 200 और मदर टिंचर इसका प्रिपेयर करते हैं। आइए इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स की बात कर लेता हूं। स्पेशली ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, श्वसन तंत्र में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए काम मिली जाती है। आसान भाषा में समझेंगे हम लोग कि सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, क्लिनिकली ये जिन किडनी पेशेंट्स की थायराइड ग्लैंड या हाइपोथायरॉयडिज्म, जिनका TSH लेवल बढ़ जाता है, थायराइड ग्लैंड यहां से सूजन आ जाती है, स्टिचेस लाइक पेन होगा, चुभन होगी, कुछ भी निगलेगा, थायराइड की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है अगर पेशेंट्स के अंदर आ रहे हो, तो क्लिनिकली हम लोग स्पॉन्जिया टोस्टा को 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम का बहुत जल्दी आपको निजात देखने को मिलेगा। उसके बाद बात कर लूंगा मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि मेन की सिम्टम्स है इसके, ड्राई कफ के अंदर, सूखी खांसी के अंदर, इस तरह की खांसी जैसे कि पेशेंट खांसता खांसता थक जाता है, गला बिल्कुल सूखने लगेगा पेशेंट्स का, जिनके भी पेशेंट्स को खांसी की समस्या हो रही है, विंड पाइप बिल्कुल चोकिंग हो जाएगा, जैसे ही लेटेगा पेशेंट उसको खांसी रुकेगी नहीं, उठकर बैठेगा, टू क्रूप लाइक खांसी होगी, दो पैरोक्सिज्म्स कफ वाली खांसी होगी, एस्थमेटिक कफ होगा, इंस्पिरेशन जो होगा जैसे ही सांस अगर पेशेंट लेता है तो खांसी की आदत होगी, इस तरह की खांसी के अंदर जैसे स्टिचेस यहां पर लगेगा कि छाती में कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, सुइयां चुभ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस तरह की खांसी के अंदर स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत अच्छा काम देखने को मिलता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके हार्ट से रिलेटेड सिम्टम, एंजाइना पेक्टोरिस या पेरिकार्डाइटिस लाइक सिम्टम्स जहां भी आ रहे हो, वायलेंट स्टिचेस लाइक पेन हो रहा हो लेफ्ट साइड में पेशेंट्स को, वहां पर ये जो स्पॉन्जिया टोस्टा है उसकी हम लोग 30 या 200 पोटेंसी का उपयोग कर सकते हैं। पेशेंट कैन नॉट लाय डाउन ऑन द बेड, जैसे ही सोएगा उसे दर्द महसूस होगा। उसके बाद मिडनाइट एग्रावेशन है, रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा परेशानी होगी और खांसते खांसते भी पेशेंट को इस तरह लगेगा कि अभी हो सकता है कि मेरे प्राण निकल जाए, इस तरह की आपको स्पॉन्जिया टोस्टा के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेगी। पर स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा जिन किडनी पेशेंट्स को खांसी की शिकायत है, ड्राई कफ हो रहा है, स्पास्मोडिक है, स्टिचिंग है, कफ हो रहा है, साथ में लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, तो वहां पर इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। और क्लिनिकली थायराइड में एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा, थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म की जो कंडीशन है वहां पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं स्पॉन्जिया के बारे में आपको जो मैंने जानकारी दी उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आप इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में ईमेल आईडी और अदर लिंक दिए हुए हैं, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो अगर मैं जल्दी आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।